नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं N7 खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। सटे नोएडा में एक शख्स ने बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो शख्स बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचा और वहां एक क्लर्क के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद भी उस शख्स का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने तेजाब फेंकने के बाद क्लर्क पर ईंट से हमला कर दिया। हमला करने वाले शख्स का कहना है कि बिजली विभाग उसकी समस्याओं को सुन नहीं रहा था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में दर्द से कराह रहे जितेंद्र शांडिल्य नोएडा के सेक्टर 39 में बिजली विभाग के क्लर्क हैं। जितेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि उनके विभाग के खिलाफ गुस्से का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। शनिवार को जितेंद्र दफ्तर में सामान्य तरीके से काम कर रहे थे, अचानक एक शख्स दफ्तर में आया और उन पर तेजाब उंडेल दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावर ने ईंट उठा ली। इसके बाद लोगों ने हमलावर को दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिर हमले में घायल जितेंद्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक आदमी आया जो बोला SDO कहाँ है तुम्हारा। मैंने कहा यहाँ नहीं, SDO थे नहीं वहाँ पे। जब तुमने तेजाब रख लिया, वो रख लिया तेजाब भरा जग रख रखा, और बता कहाँ है और डाल दूंगा। हमला करने वाले शख्स सुनील का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से उसका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। उसने इस बारे में बिजली विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुस्से में आकर उसने जितेंद्र पर तेजाब से हमला कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक तेजाब से जितेंद्र की आंख को भी नुकसान पहुंचा है। आंखों में उसको काफी इंजरी है, राइट आई में थोड़ा सा अभी डैमेज है, पेन का तो नहीं हो रहा, टंग पे भी थोड़ा सा जलन के निशान है। आरोपी सुनील नोएडा के निठारी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली के बढ़ते बिल का मामला इससे पहले भी कई बार सामने आया है। लोगों ने इस पर गुस्सा भी जताया है, शिकायतें भी की हैं, लेकिन इस मामले में आरोपी ने जो तरीका अपनाया उसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7।